Hey guys, welcome to my channel. आज मैं आपको बताऊंगी how to make a flower. तो यहाँ पे मैंने origami sheet ली है. तो ये white origami sheet है और ये colorful एक है, orange color की मैंने ले ली है. तो आप चाहें तो अगर आपके पास white available ना हो तो आप एक A4 size का paper ले और उससे इसी shape का cut कर लीजिए. तो ये ऐसे हो जाएगा. अब हम लोग अपना फर्स्ट हम लोग व्हाइट पेपर पे देख सकते हैं. तो पहले आप प्रैक्टिस करें इसको. तो पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं. अब पहले हमें इसको ऐसे आधा हाफ फोल्ड कर देना है. आप देख सकते हैं ऐसे. और अगर आपको अच्छे से फोल्ड नहीं होता ना, आप ऐसे हाथ रख दीजिए, आपको दिख रहा है तो. एंड देन आपको ये जो आप इरेजर या फिर जो भी पेंसिल है आपके पास वो लीजिए और इसको ऐसे करिए. और फिर इसको आप ऐसे करके करेंगे तो फिर ये जो है ना फोल्ड एकदम बराबर होगा. ये देखिए, ओके. तो ऐसे हो जाएगा ये. नेक्स्ट हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है एक और बार. सो अगर आपको आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. तो मुझे आता है तो मैं ऐसे कर ली हूँ. नेक्स्ट जब ये आपका क्वार्टर बन जाएगा तो आपको तो फिर आपको सीजर्स लेनी है. और ये जो बीच वाला है पार्ट आप देख सकते हैं जो है को खोलना नहीं है हमें. इस पे ऐसे लगाना है सीजर, यहाँ से कट करना है. केयरफुल आपको, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए इसमें. आपका हाथ भी कट सकता है इसलिए केयरफुल रहिएगा. सो लाइक ये मेरे ऐसे बन गया है. तो आप खोलेंगे तो ये ऐसे रहेगा. ये दोनों ऐसे ही हैं. तो आपको अब बस इसको इस बीच से काटना है. ओके, सो ये मैंने कट किया. और लाइक नाउ इट इज क्वार्टर एंड ये हमारे पास आ गया है. एंड ये हम लोग इसको कट करते हैं. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक दिस एंड दिस. हमें वैसे ही बनाना है जैसे हम लोग ने बनाया था, बट उसको कट ही करना है. पहले हम लोग उधर तक ही जाते हैं, इधर तक, जब ये क्वार्टर बन जाएगा, स्मॉल क्वार्टर. अब इसे हमें नहीं कट करना है. अब हमें क्या करना है देखिए. अब हमें इसका जो आप नोट करेंगे लाइक जो ये सेंटर का पार्ट है ये, अब वो सेंटर पार्ट ये है. तो इस ये जो सेंटर है इसके इधर से लेकर इधर तक आप कर लीजिए. बहुत सिंपल है, आप इसको देखकर बना सकते हैं. तो ये ऐसे बन गया. ओके, ये ध्यान रखिएगा इसको आप ट्विस्ट मत कर दीजिएगा, ऐसे बन जाएगा. नेक्स्ट अब हमें इसको यहाँ रखना है. पेंसिल लीजिए एंड आपको एक फ्लावर की शेप दे देनी है. लाइक आप ऐसे यू भी दे सकते हैं. ओके, इतनी देनी है. ओके, नेक्स्ट हमें इसे कट करना होगा यहाँ से. ओके, एंड एज यू ऑल कैन सी ये ऐसे कट गया है. देन आप इसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे आएगा. यू कैन सी इट, इट्स अ हार्ट. बट आप इसको ऐसे ही आप शेपिंग दे सकते हैं. मेरा शेप मुझे लगता है मैंने सही काटा है, बट मैं थोड़ी सी और शेपिंग दे सकती हूँ. अगर आपका परफेक्ट है तो फिर आपको क्या करना है, इधर तक कट करना है. फुल कट नहीं, ये एट लीस्ट है. ओके, आप इसको अगर नहीं कट करना, मतलब इसको आपको कट करना ही होगा, इससे ये फ्लावर लगेगा. तो अभी हमें इसके सामने ही करना है. बता दे रही हूँ इसको बस यहाँ तक ही करना है. तो और फिर आप ये जो खुल गया तो हमारे फ्लावर बन चुका है. एंड यहाँ से हमें कट करना होगा. अब आप रुकिए, आपका और आप ऐसे मतलब फ्लावर बना सकते हैं ऐसे डार्क पे. आप इससे भी एक बड़ा सा फ्लावर बना सकते हैं. तो अब मैं आपको और ऐसे बना के दिखाती हूँ. ओके, ये फ्लावर आपको मतलब ये शीट लिया, इसको हमें वैसे ही करना है. ओके, सो आप करते जाइए जैसे मैंने इस पर किया था. सो आप इसे ऐसे कर दीजिए तो ये यहाँ
बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो ये वैसे ही हो गया है। तो आप चाहे तो इतना बड़ा भी इसमें ही आप कंटिन्यू करके इतना बड़ा फ्लावर कट कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको छोटे छोटे टाइप के बता रही हूँ, तो मैं अभी छोटे बना रही हूँ, ठीक है। तो हमें वैसे ही कट कर देना है। अब अगर आपको बड़ा बनाना है बड़ा कर सकते हैं, एंड ये आपका पूरा बन गया। तो ये है, आप इसका अंदर का अगर आपको सिजर्स नहीं हो रहा तो आप स्केल से भी इसका अंदर का कर सकते हो। कट ये देखिए कितना अच्छा कट हो जाता है स्केल से भी, बट जब आपको वैसे कट करना होगा तो अब आपका वैसे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी आपको बहुत सारा, तो आपको सिजर से करनी पड़ेगी। तो देखिए फोर पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है। नेक्स्ट आप देखो मैं क्या करती हूँ, छोटा भी बना सकते हो, बट इसका हम लोग को इसके अंदर भी हमें कुछ लगाना है। लाइक हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लगा देंगे और ये हम लोग को ऐसे करना है वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया। यू कैन ऑल्सो कट, आप ऐसे भी कट कर सकते हो, मैं बता रही थी ये कटिंग हो गई ऐसे, बट जो फ्लावर की शेपिंग एंड कटिंग है उसका आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको नहीं यूज करना क्योंकि उसमें नहीं हो पाएगा आपका। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो पार्ट बन गया है अब हम लोग इससे फ्लावर बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें एक फ्लावर लगाना है। इसके अंदर मैं दिखाती हूँ, आप बस देखते जाइए, छोटा छोटा बट वो आपको बहुत सुंदर लगेगा। दिखाती हूँ ये छोटा सा टाइनी आपको नहीं लग रहा बट ये बहुत क्यूट मिल जाएगा आपका। ये इसके पिन पे दे दी, हेयर इज आर सिसर एंड हेयर इज आर दिस एंड हेयर इज आर हार्ट कट। देखिए थोड़ी सी आप शेपिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा हार्ट बन चुका है एंड आपको इधर तक कट करना है। ये छोटा है तो आपको समझ नहीं आएगा असल में, थोड़ा सा छोटा छोटा आपको कट करना है। आपका बन गया, अब देख सकते हैं पूरा फ्लावर बनने जा रहा है, बट आप इसे पूरा कट मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा देख के ओके। आप थोड़ा से आपको छोड़ना है इसमें, ठीक है। खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी मेरी भी, जैसे लाइक मैं इतनी प्रो भी नहीं हूँ क्राफ्ट में। तो आप इसको भी ऐसे फोल्ड करके काट सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, क्योंकि निकल भी सकता है ऐसे ही, है ना। सो ये देखिए आपका ये बन गया है गाइस, देन आप इसको इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी पेस्ट कर देती हूँ ग्लू निकाल के, क्योंकि आप ग्लू से ही पेस्ट करोगे ना। तो ये ग्लू है हमारी, तो आपको इसे खोलना है, अंदर पेस्ट कर देंगे आप ग्लू एंड ठीक है खुल गई मेरी। देन यहाँ पे हम लोग एक लिटिल बिट ऑफ ड्रॉप्ड एंड हियर इज आवर फ्लावर एंड हियर ये पेस्ट, हियर आई पेस्ट। आप एक्स्ट्रा मत लगाना, ये गीला हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हो, बट अगर आपको इसको ब्लू नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, एक बस पेंसिल लेनी है एंड जस्ट इसको ट्विस्ट। देखिए कितना क्यूट लग रहा है, राइट, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ राइनस्टोन्स हैं, आप वो भी लगा सकते हैं इनके अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पास ये है, तो मैं अब ये थोड़ा सा लगा दूंगी इस पे। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना क्यूट फ्लावर बनाया है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे फ्लावर्स बना सकते हैं, ये बड़ा और ये छोटा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय।